वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास। इमरान खान को कब्जा माफिया के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। काबीना ने मशकूक लाइसेंस वाले पायलट्स की मौतली के दौरानिए में तौसी की मंजूरी दे दी। चारों सूबों के फोर्ट शेड्यूल लिस्ट में शामिल अफराद को इस्तिस्ना देने का मामला मौखर कर दिया गया। काबीना इजलास के बाद वज़ीर-ए-इत्तला'आत शिबली फराज़ की मीडिया ब्रीफिंग। कहा वज़ीर-ए-आज़म की स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी कामयाब रही। मुकम्मल लॉकडाउन का मशवरा देने वाली अपोजिशन को गरीबों की नहीं सिर्फ अपनी फिक्र थी। मरियम नवाज को अपने किए पर नादिम होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून को लूट मार का जवाब देना होगा। एक्सचेंज है जो कि इस तेजी से बढ़ी है, हमने इसको हैंडल किया बावजूद मुखालिफत के एक आध सूबे से साबित कदम रहे। जो अपोजिशन और जो खास लोग कर रहे थे कि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होना चाहिए, वो आज नजर आ नहीं रहा। ये भी कहा गया कि इसको जो है तो अगले महीने की 30 तारीख तक इस प्रोसेस को मुकम्मल कर दिया जाए, बिकॉज जितना भी टाइम लगेगा तो जाहिर है कि वो उसमें मुश्किलात में इजाफा होगा। अब यानी इस मुल्क की बदकिस्मती यही है, किन जैसे लोग, मरियम नवाज जैसे लोग जो के बजाय अपने किए पे नादिम हो, वो आके जो है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आज उनका मरियम नवाज ग्रुप बैठा हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। अब कल जो है तो शहबाज शरीफ ग्रुप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, फिर तीसरे रोज जो है तो पता नहीं और कौन सा ग्रुप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। तो देखें, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे मुल्क को इस हालत में पहुंचाया है, जिनको के कानून के कटहरे में हमने खड़ा करना है और इनसे ये सारे हिसाब लेने हैं।